साधकों में उनको भी संदेश दे रहा हूँ, साधक हो या साधिका हो, कि मैं किसका यहाँ बार बार नाम नहीं लेना चाहता हूँ। अगर आप लोग मार्गदर्शन करना चाहते हैं तो साधकों के सामने आएं, अगर नहीं आएंगे तो मेरा कोई दबाव नहीं है। तो मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ, उन साधकों को जिनको मार्गदर्शन की जरूरत है, बहुतों ने कहा हुआ है हमसे, उनके लिए भी, और जो मार्गदर्शन कर रहे हैं, कर सकते हैं, उनके लिए भी संदेश है कि अगर इच्छा है मनुष्यों का कल्याण करने के लिए कि अध्यात्म में सहायता दे सकते हैं, आगे आइए, मैं सहयोग करने को तैयार हूँ जहाँ तक होगा। चलो ठीक है, यानी मैंने 10 साल मांगे और शायद मुझे नहीं मिलेंगे, क्योंकि हर एक का एक नियम होता है, सिद्धांत होता है कि मनुष्य के चित्त से जब कर्म खत्म हो जाते हैं, अर्थात योगी के, तो फिर कैसे जीवन चलेगा उसका। एक समय ऐसा आता है, यानी ऋतंभरा प्रज्ञा के प्राकट के समय, या जब वो ऋतंभरा प्रज्ञा का प्रकाश पूरी तरह से उसके चित्त में फैल जाता है, अज्ञानता यानी अविद्या जड़ से नष्ट हो जाती है, तो उसके संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं, चित्त की भूमि भी नष्ट हो जाती है, तो संस्कार तो रह नहीं गए। ऐसा समझो कि जैसे कुम्हार होता ना, बर्तन बनाने के बाद भी उसका चौक गोल गोल पहिया घूमता रहता है, मगर कुम्हार बर्तन नहीं बना रहा। बस ऐसे समझो कि योगियों का भी जीवन होता है, जो तत्वज्ञानी योगी होते हैं, कर्म नहीं है, लेकिन जो पीछे प्रारब्ध कर्मों का वेग है, वेग के कारण उनका जीवन चलता रहता है, और किस समय कहाँ कब ठहर जाएगा पता नहीं। जैसे कमान से जब तीर निकल जाता है, तो तीर में जो आगे बढ़ रहा होता है अंतरिक्ष में, तो उसमें गति कमान की लगी होती है, वो किस जगह गिर जाएगा तीर, अब ये तो कमान को भी नहीं पता हो, तीर को भी नहीं पता। हाँ इतना है कि जितना कमान का बल लगा होता है तीर में, उतनी दूरी तय करता है, शायद समझ गए होंगे। तो अब हमारी बागडोर ऊपर वाले के हाथ हैं, और मैंने भी सौंप दी कि प्रभु आप जो चाहें हमें मंजूर है। हम जहाँ हैं वहीं समझो कि मेरी गृहस्थी है, वहीं संसार है, और कुछ नहीं है। ठीक है साथियों, मैं कितना स्पष्ट बोल रहा हूँ, स्पष्ट बोलने में मुझे जरा सी भी यानी संकोच नहीं है। हाँ मैं ये बता दूँ, योगी स्वतंत्र होता है। साधकों मैं शिक्षा के तौर पर कहता हूँ, योगी के साथ, मुझे छोड़ो, मैं अपनी बात नहीं करता, और भी संसार में योगी हैं, उनके साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करिए। हालांकि वो कभी कुछ नहीं कहेगा, अगर वास्तव में योगी है वो कभी कुछ नहीं कहेगा, उस फिर भी मैं बता दूं कि सम्मान पूर्वक व्यवहार करिए, वो तो सहन कर लेगा, लेकिन ये सोचो कि जो तुमने अगर सम्मान पूर्वक व्यवहार नहीं किया, यानी सही व्यवहार नहीं किया, गलत व्यवहार किया उसके साथ, वो सहन कर लेगा, लेकिन ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, तुम्हारी इंद्रियां हैं ना, इनके द्वारा जो संस्कार बनेगा वो तुम्हारे चित्त पर हो जाएगा। अगर योगी के साथ गलत व्यवहार किया जाएगा तो कई गुना ज्यादा उसका संस्कार बनेगा, समझते होंगे। और मैं किनको कह रहा हूँ वो भी समझ जाए, मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा। बहुत से साधक क्या करते हैं कि मुझे कमेंट करके मुझे प्रमाण पत्र देते रहते हैं, योगी आप ऐसा क्यों कहते हो कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, मुझे जरा करके दिखाओ। तो मैं ऐसे साधकों को, मैं स्पष्ट नहीं कह रहा हूँ घुमा के, लेकिन आप अर्थ लगा लें कि ऐसे भी साधक होते कमेंट करके कुछ भी लिख देते हैं, तो मैं ऐसे साधकों से प्यार से विनम्रतापूर्वक राय देना चाहूँगा कि मेरे जैसे अभ्यासी को, कुछ भी समझे, साधक को, योगी को, अगर ऐसा कहना है तो पहले खुद अभ्यास करो, अभ्यास करके इस संसार का थोड़ा कल्याण करो, फिर मुझे ऐसा लिखो, यानी कम से कम इतनी योग्यता लाओ कि इस व्यक्ति से ज़्यादा आपकी योग्यता हो, तब राय दो। और ये कि सुबह जागे और प्रमाण पत्र लिया, उठा के मोहर मार दी, आपकी ये योग्यता, आपकी ये योग्यता, तो भैया ऐसे आपके प्रमाण पत्र की मुझे ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी करते रहें, ये आपकी स्वतंत्रता। हमारा सिर्फ कहने का मतलब है, हमारा ही नहीं, किसी भी संत पुरुष का या श्रेष्ठ पुरुष हो, वही आदमी प्रमाण पत्र दे सकता है जो उससे योग्य होगा, उससे ज़्यादा योग्य होगा, और ये सही भी है, तर्कसंगत भी बात है। अरे कोई विद्यार्थी कक्षा 5 पढ़ रहा है तो उसे प्रमाण पत्र उसका टीचर देगा, ना कि कक्षा 5 पढ़ने वाला विद्यार्थी टीचर को प्रमाण पत्र देगा, ऐसा कैसे हो सकता। सिर्फ राय दे सकता हूँ, फिर आप स्वतंत्र हैं, कुछ भी करिए, कमेंट करिए या पूछिए, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक साथ को याद रखें कि मैं 10 साल के लिए मैंने समय मांगा, शायद मुझे नहीं मिलेगा, फिर भी मैं आपके सामने वीडियो कह रहा हूँ। मेरे साधक भी ऐसे
यानी आ सकते हैं मार्गदर्शन के लिए, ये उनके ऊपर है। Thanks for watching. Remember to like, comment, and subscribe.